want justice! We want justice! That's what I'm for! That's what I'm for! We want justice! हंगामे दीआं तस्वीरां फतेहगढ़ साहब दे हलका अमलोह च पैंदी देश भगत यूनिवर्सिटी दीआं ने। इह बवाल पैदा होया एक विद्यार्थी जीसन अहमद दी खुदकुशी दे बाद। इह नौजवान जम्मू कश्मीर दा रहण वाला सी, अचानक खुदकुशी कर लई। रोस वजों यूनिवर्सिटी दे विद्यार्थियों ने धरना ला दिता। मृतक नौजवान दे परिवार दा कहना है कि उन्हां दा बेटा यूनिवर्सिटी वल्लों लाए भारी जुर्माने तों निराश सी अते उस नूं तंग परेशान कीता जा रहा सी, जदों कि यूनिवर्सिटी दे प्रबंधकां मुताबिक उन्हां ने एक कमेटी बना दित्ती है जो सच दा पता लाएगी। मामला यह है, मुझे बेटे को फीस थी, कुछ पेपर उसको ये बकाया थे, सप्लीमेंट्री आए थे, इन्होंने कहा वो परेशान हो गया, एक तो 30,000 रुपया जुर्माना किया लेट फीस देने का, 15 दिन लेट हुई, मैं इधर ही था 15 दिन लेट हुई, 30,000 रुपया जुर्माना, कहा अगर एक दिन और हो गई फिर 45,000, कहा एक दिन हो गई फिर 55,000, मतलब एक एक दिन के 10,000 रुपया फाइन फॉर लेट फीस, 4,000,000 हम ईयरली दे रहे हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लड़के की, अगर हम हजारों मील दूर हैं, हमें तो चाहिए शासन कि है आपका लड़का स्कूल नहीं आता है, आपका लड़का कॉलेज नहीं जाता है, आपके लड़के को ये पेपर वापस आए हैं, कहाँ हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं, फोन करते हैं हम, फोन नहीं उठाते, कभी नहीं उठाते। मैं FIR करनी, मेरा कत्ल केस चढ़ाना है इन पर। तहसीक 3 मेंबर हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है यूनिवर्सिटी ने, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइन करते हैं, चाहे वो कोई भी कंसर्न्स है उसके भी असं पूरे मार्क करते हैं, और मैं तो अश्योर कर दें कि विदिन 2 डेज वो कमेटी अपना जो भी है फैसला सुनाओगी, निरपक्ष जांच होगी, अनबायस होगी, और जिन्हों के ट्रांसपेरेंसी देखी जाएगी। हंगामा वादा देख मौके ते पुलिस भी पहुंची, जिन्होंने धरनाकारी विद्यार्थियों नु शांत करवाया, जांच दा भरोसा दिता। नहीं लिया हुआ, बच्चों को एश्योरेंस देना था, और जो इनके साथ हुआ है, जो भी इनकी डिमांड्स है, वो SHO साहब खुद इंक्वायरी करेंगे, DSP साहब सुपरवाइज करेंगे इंक्वायरी को, और कारण रही है सर, कारण देखते हैं जी, अभी तो सारा कुछ देखते हैं, इंक्वायरी में क्या आता है चेक कर रहे हैं, बच्चों की डिमांड सुन ली है, एडमिनिस्ट्रेशन से अभी बात करते हैं, और अभी जो डिसीज है उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पुलिस प्रशासन के इस भरोसे बाद विद्यार्थियों ने धरना चुक लिया। सारियां धिरां की एक कमेटी बनाई गई है जो इस मसले दे विच कदम चुक रही है। पुलिस भी अपने पद्धर से जांच कर रही है।